ये स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे यहाँ इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग साथ रहे, सभी लोग भागीदारी थे, लेकिन आज का जो परिवेश है सभी लोग भागीदारी रहे। ये हमारा तिरंगा जो आज़ादी का प्रतीक, ये गेरुआ आज़ादी का प्रतीक, शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक है और क्रांति का प्रतीक, गेरुआ रंग क्रांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक और आज़ादी का प्रतीक। इसमें जो 24 तिलियां बनी हुई है ये हमारी एकता का प्रतीक और देश हमारा आज़ाद। आज पूरी स्वतंत्रता मिली देश को, आज के दिन संविधान लागू हुआ, आज के दिन, आज ही के दिन संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से देश को आज़ादी मिली। अब हमारी, मैं निवेदन करूंगी कि हमारी महिला शहर अध्यक्ष भी कुछ इस संबंध में प्रकाश किया जाए। सभी गणमान्य और माननीयों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। पहले हम लोग यहाँ 71वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और जिस तरह से आज़ादी के लिए सभी धर्म के लोग एकत्र होकर अपना योगदान दिए और हमें आज़ादी मिली, अपनी संविधान लागू के अपना हम लोग अपना संविधान लागू कर सके आज के दिन, उसी तरह से अपने देश हित में हमें भी एकजुट होकर किसी भी जात धर्म से ऊपर उठकर हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। जय अजीत भैया। जिला कांग्रेस कमेटी बलिया पर आज यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जो हम लोग के भारत के लिए, हम लोग के देश के लिए हर्ष और खुशी की बात है। इस गणतंत्र दिवस पे जिला कांग्रेस कमेटी बलिया अध्यक्ष होने के नाते मैं सारे जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से हमारा यह भारत, भारत का संविधान अखंड है, हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। हम लोग एक रंग एक शांति का प्रतीक है, हम सेकुलर हैं और पूरे हिंदुस्तान को, सबको सर्वधर्म संभाव को लेकर चलने का काम करेंगे। आज यही संकल्प लेते हैं। जय हिंद।